राम राम भाइयों, मारे द्वारा एक कमेंट और आया था। इसका नाम है अजय कुमार। जो और भी भाई देखने लग रहे, थारे मन में कोई सवाल है, आप भी कमेंट करके पूछ गए हो। आप किस विषय में जानना चाहो हो, किस एस्टिमेट के बारे में जानना चाहो हो, या कोई मसाला के बारे में जानना चाहो हो, आप कमेंट करके पूछ गए हो। भाई इनने एक कमेंट कराया है भाई, जो कि इनका कमेंट है वो पढ़ कर देखा। हेलो भाई, हेलो भाई, रंग काट का यूज करके हमने चमचम बनानी है जो बाजार से पाउडर मिलता है उसकी। भाई इनका ये सवाल है, जो बाजार में पाउडर मिला है, रंग काट का यूज करके हमने चमचम बनानी है, और हमने इसका रंग काट का यूज करके हमने चमचम बना ली, इसमें सड़न सी होगी भाई कुछ, इस सड़न को कैसे दूर करे, या फिर अरारोट की वजह ताव है, या रंग काट की, रंग काट कम लगने की वजह ताव है, ये जानना चाहो कुछ इस विषय में। देखो आपकी बात बहुत ही अच्छी है, जो कि आपने कमेंट कराया है, जो कि ये गलती तो आपका होगी भाई, आगे के लिए नहीं हो सका है, ठीक है। इससे आपने कुछ जानकारी मिलेगी, इसका जो यूज कराया है आपने गलत होया है, आपका सवाल भी गलत हो गया, और जो आपने चीज़ बनाई है वह भी गलत हो चुकी हुई आपकी। वो क्या है कि जो आपने बाजार से छेना लिया है, या जो पाउडर है वो पाउडर लिया, कुछ भी लिया है जिसकी आपने चमचम बनानी है, ठीक है, उसके अंदर आपने रंग काट का यूज कर लिया भाई, वो भी ठीक है, आर रोट भी यूज करी, वो भी ठीक है। जो कि गलती आपकी ये है, छेना को यानी कि गुलाब जामुन हो या रसगुल्ला हो, इसमें रंग काट का यूज नहीं कर सका आप, ठीक है भाई। क्यों, जो कि आपने माल में रंग काट लगाया है, इसमें रंग काट नहीं लगाया जाए माल में, जो कि आप छेना बोला है, या फिर आप गुलाब जामुन की या रसगुल्ला की जो मल्ली हुआ है वह मल्ली बोला है उसने, मल्ली के अंदर आप रंग काट का यूज नहीं कर सका, कि है उससे खट्टापन हो गया है और सड़न ज़्यादा हो जाएगी, बदबू ज़्यादा हो जाएगी। कि आपने ये दूसरा सवाल भी कराया है, क्या इसका कड़वापन या सड़न आप खत्म कर सका या नहीं कर सका है? जैसे कि भाई साहब इसका अब कोई समाधान नहीं है, ठीक है। जो कि अपन आटा मान लिया पर पूरी पूरी करनी है या फिर रोटी पोनी है, अपन नमक की जगह चीनी गिर ली तो मीठापन होगा, मीठापन हो लिया तो इसका कोई समाधान नहीं है भाई, चीनी तो कौन लीगढ़ आटा होता है। जो कि अपन भाई दूध पीना है, दूध में अपन चीनी गिर ली, वो चरचरा हो लिया, फिर उसमें चीनी गिर लिया कोई फायदा कौन है, या फिर आटा में मीठा गिर लिया, चीनी मीठा गिर लिया तो नमक और गिर लिया कोई फायदा कौन है। जो चीज़ पड़गी, जो चीज़ नहीं पड़नी थी वो उसके भीतर पड़ ली, तो इससे खराब हो गया भाई साहब। इसमें ओनली बेकिंग पाउडर या सोडा का यूज कर सका हाँ बनाना में, वो मल्ली पर डिपेंड हो भाई, अपनी मल्ली किस प्रकार की है, बेकिंग तो यूज होना ही होना है, जो कि बेकिंग सोडा भी बोलते हैं कई जगह, और बेकिंग भी ये चीज़ अलग अलग हुआ है। बेकिंग सोडा में बेकिंग की और सोडा की दोनों चीज़ की मात्रा आवा है, और बेकिंग अलग आवा है, बेकिंग सोडा अलग आवा है, ओनली सोडा अलग आवा है, इन चीज़ का आप यूज कर सका है, जो कि रसगुल्ला में या फिर गुलाब जामुन में, यानी कि जो चीज़ एक ही और है उनकी आकृति बदलने के कारण वह चमचम बन जा है। जैसे कि रसगुल्ला गोल बना दिया, चमचम बनानी है थोड़ी आप बिट्टी का डाल कर देवाएंगे गोल गोल, ठीक है, जो कि आकृति बदलने पर चमचम नाम हो जाए, रंग भी चेंज कर देवा हाँ। जो कि मल्ली है वह एक ही लगा, मसाला एक लगा सेम, या थोड़े बहुत मसाला का डिफरेंस कर देवा हाँ, छोटा बड़ा माल या पीच करने का है दौरान पर। और जो बदबू की सड़न की ये बात थी, अरारोट से, अरारोट से भी कोई बदबू की, बदबू का जो मैटर है कोई मैटर नहीं इसमें भाई, अरारोट जो भी जितनी मात्रा में अपन लगाना है वो लगास कहा या फिर घटास कहा, उसका कोई मैटर नहीं है। आपने ये कही थी या फिर अरारोट की वजह आ है या नहीं आ है, अरारोट की वजह तो नहीं आ भाई, रंग काट की वजह आ है। यदि आपने रंग काट लगाया है तो इसकी बदबू नहीं खत्म हुआ है, आपको माल कितना है उसने आपने बेकार यूज करना पड़ेगा, दो तीन घंटा के बाद में वो भी खराब हो जाए रंग काट लगाने के बाद में। आज के लिए इतना ही काफी भाई साहब, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।